फर्स्ट रेस्टोरेंट यू विल गो? ढाबे, चाय के ढाबे. फर्स्ट पर्सन यू विल गिव अ बिग फैट हग? माय सिब्लिंग्स. अच्छा, द फर्स्ट गिल्टी प्लेजर यू विल बी इंडल्जिंग योरसेल्फ इन? First thing you'll do after this pandemic will end? First thing I'll do, I don't know. Frankly, I haven't planned because pandemic ka kuch samajh nahi aa raha hai. Kal khatam hoga ya ye 2 saal chalega, kuch pata nahi hai. So frankly, iska jawab ye hai ki maine kuch socha hi nahi hai, kyunki maine kuch soch liya to mujhe pareshani hogi, keh rahe main kar abhi tak kar nahi paya. Okay, so the first restaurant you will go when this pandemic will end? Dhabe. ढाबे, चाय के ढाबे is what I'm waiting for. First person you will give a big fat hug? The first person that I'll give a big fat hug, other than the family जिनको hugs हम करते रहे, I think I'll go to my siblings, मेरे बहन भाइयों से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी बहुत अरसे में, so I think I'll go to them and I'll give them a big fat hug. अच्छा, द फर्स्ट गिल्टी प्लेजर यू विल बी इंडल्जिंग योरसेल्फ इन? गिल्टी प्लेजर होना चाहिए, बट आई एम मिसिंग सिनेमा. आई थिंक आई वुड लव टू वॉच अ फ्यू फिल्म्स, बट दैट्स नॉट गिल्टी प्लेजर. जो नई तब्दीलियां मेरी जिंदगी में आई हैं उसमें वैसे ही मैं थोड़ी गिल्टी प्लेजर से अपने आप को निकालने की भरपूर कोशिश कर चुका हूँ. So, I think cinema is what I'm missing the most. अच्छा, और अभी जब क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा तो इफ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी आफ्टर क्वारंटाइन, और तो उसमें सब मतलब कौन से ऐसे गेस्ट होंगे जो लाजमी होंगे? मुझे परेहा क्लब की टीम के साथ was the time sort of, you know, recent जितनी मेरा टाइम गुजरा प्रोफेशनल उसमें, I had the time of my life with that team. तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ कभी भी गेट टुगेदर हुई तो आई विल डेफिनेटली नेवर मिस, और अगर मुझे खुद करना हुआ तो आई डेफिनेटली हैव डन विद. सो वन एडवेंचर यू हैड बीन पुटिंग ऑफ फॉरएवर एंड यू फाइनली डू, जब ये क्वारंटाइन और पेंडेमिक एंड होगा तो आप वो करेंगे, आप सोच रहे हैं? बड़े एडवेंचर्स हमने किए नहीं, लेकिन वी ट्रैवल्ड साउथ, ट्रैवल्ड अ फ्यू प्लेसेस, मगर एक जो नॉर्थ का ट्रिप विद फैमिली है जिसमें थोड़ा कैंपिंग वगैरह इन्वॉल्व हो, वो आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत अच्छे से, और उस पर हम रिसेंटली बात भी कर रहे हैं कि बस अब चलते हैं, मतलब कुछ कैंपिंग शैम्पिंग करते हैं. दैट्स समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू. एक और मेरे पास सवाल है यहाँ पे कि जब पहली छुट्टियाँ मतलब जब ये एंड होगा तो कहाँ जाएंगे वेकेशंस पर? अनदर प्लेस दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो, और उसका हम प्लान भी कर रहे थे एक्चुअली लॉकडाउन के शुरू होने से थोड़ा सा पहले से. We were planning ke with, you know, as a family, we'll go to Turkey and spend some time there because mere bachche Atul ke bahut bade fan hain. Main uska Sultan Suleiman aur Huram Sultan ka bahut bada fan raha hoon kuch arsa pehle. And so, aur main film ki shoot ke silsile mein chuke Istanbul mein bahut time bhi spend kiya aur maine bahut explore bhi kiya. To wo ek Turkey jo hai wo हमारे हाउसहोल्ड में एक नई डिस्कशन है, और फिर जब अर्तुरुल पीटीवी पे आ गया तो सबने उस पर बात करनी शुरू कर दी, एंड वी ऑफ कोर्स हैड अ लॉट टू शेयर अबाउट इट. तो दैट्स अनदर प्लेस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो कर पाए, क्योंकि प्लान में था लेकिन फिर लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गए. बहुत मुश्किल सवाल है, इसलिए बस मुश्किल नहीं है, मतलब मैं मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने ऐसी कोई नई आदत नहीं इख्तियार की जो मैं बाद में रखना चाहूंगा. तो क्योंकि एक आदत थी जो मैं सोच रहा था कि सुबह जल्दी जागने वाली जो एक आदत है वो तो मैं बना ही लूंगा इस दफा, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ. तो वो जो अब तक नहीं हुआ वो बस दुआ करें जल्दी हो जाए, लॉकडाउन के खत्म होने से पहले मैं इसका पॉजिटिव जवाब आपको दे सकूं. Thank you so much, Fahim. Thank you very much.